जैसा कि आजकल हम शूट कर रहे हैं होंडा ट्रिपल आर पे, जो कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि फर्स्ट गियर में 184 गई, तो आज के वीडियो में मैं आपको टॉप स्पीड अटेम्प्ट का वीडियो होने वाला है और कितना जाने वाली ये दिखाने वाला हूँ। और हम जैसे राइडर्स के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। अभी मैं राइडिंग जैकेट पहनूंगा, ग्लव्स पहनूंगा, हेलमेट पहनूंगा और बाहर जैसे ही निकलूंगा गर्मी में पूरी बॉडी पसीने से एकदम खराब हो जाएगी, और कैसी स्मेल आने लगेगी वो जैकेट उतारने के बाद ही हमें फील होगा। तो हम जहां भी बैठे होंगे थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे, इसीलिए अभी मैंने मंगाया है ये ला फ्रेंच का लग्जरी परफ्यूम गिफ्ट सेट और इसका यूज करेंगे। और फ्रेग्रेंस भाई इसकी लाजवाब लगी मुझे, इसीलिए अपन ने इसे मंगाया है। सो गाइज, ये है ला फ्रेंच का लग्जरी परफ्यूम गिफ्ट सेट, और सबसे अच्छी चीज की ये हिम और हर दोनों के लिए, मतलब कि यूनिसेक्स है। इसमें 20 ml की चार बॉटल आपको मिल जाएंगी, चार मिनिएचर इसमें मिल जाएंगे, और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग परफ्यूम सेट है। सबसे पहले यहाँ पे ला फ्रेंच का रोमांस ऊद यूनिसेक्स, और उसके बाद अगर आप रोमांस के मूड में हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अल हसन का यूनिसेक्स है, एंड थर्ड आपको इसमें मिलता है ऊद वूडी। सो फोर्थ वन इनका है एडवेंचर ऊद, और जैसे कि आप अगर एडवेंचरस मूड में हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं हूं, तो मस्त इसका यूज करते हैं। और इसके बाद इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आएगी भाई, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आएगी कि राइडिंग जैकेट उतारने के बाद भी हमारे शरीर से कोई गंदी स्मेल नहीं आने वाली, तो हम जहां भी बैठेंगे फुल कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। और तो और गाइज, अगर इन चारों सेट में से आपको किसी की फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आती है तो आप उसका बड़ा वेरिएंट भी ऑर्डर कर सकते हो। इसकी फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग रहने के साथ साथ बिल्कुल प्रीमियम एंड इंपोर्टेड परफ्यूम जैसा ही फील देती है, साथ ही साथ ये है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, वो भी इतने कम प्राइस में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, फटाफट जाओ चेकआउट करो और अपने लिए भी परचेज करो ये बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस वाला ऊद। और तो और गाइज, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन गिफ्ट कोई और होने वाला है। तो अब चलते हैं अपना कंटेंट शूट करने, और अब बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है अपनी बॉडी से, तो अब राइडिंग जैकेट उतारने के बाद हम ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंट फील ना करें, फुल कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, फुल एनर्जी के साथ चलते हैं ट्रिपल आर पे शूट करने और ताबड़तोड़ तबाही मचाते हैं। आते हैं सीधे मोटो व्लॉग पे गाइज। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा, इसकी फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड 184 किलोमीटर पर आर भाई, CBR फायर ब्लेड 214 BHP की पार, 113 न्यूटन मीटर टॉर्क। लुक आप देख सकते हो, स्पेक्स वगैरह इससे पहले की वीडियोस में मैं बता चुका हूं, तो एक सीक्वल समझ सकते हो इन वीडियोस को। अब आज के वीडियो में हम इसको फुल थ्रॉटल ले जाने वाले हैं। डेफिनेटली ये वीडियो क्रेजी होने वाला है, बिकॉज मजा आने वाला है बिना किसी देरी के। जैसे अपने कैरी भाई कहते हैं, वो मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन वैसी ही फीलिंग आ रही है मेरे को। तो चलो, वाव, थर्ड मोड में है बाइक इस टाइम, मोड कर देते हैं फर्स्ट गाइस, और चलो परफॉर्मेंस टेस्ट शुरू किया जाए। अभी तो सेकंड गियर थर्ड गियर भी देखना है कितना जाती है, तो फर्स्ट गियर में सोच रहे होंगे बोलता ही नहीं रहा, मैं निशब्द हो गया, समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या बोलूं। तीसरे गियर में 279 पहुंच गई, अब 280 के करीब पहुंची गई है, तो चौथे गियर में 299 कौन सी बड़ी बात है इसके लिए यार। मतलब अभी तक मैंने सुना ही था कि ये चौथे गियर में 299 जाती है, मैंने टेस्ट कभी नहीं किया, पहली बार चला रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से भाग रही है आपने देखा भाई साहब, अलग लेवल की मशीन है यार ये, अलग ही लेवल की मशीन है भागने में, एकदम चीरे दे रही है, खुल के ऐसा लग रहा है कि एकदम बस इसको कुछ चाहिए, दे दो इसको। ये भाई ये क्या है, कुछ की टुनिया, वो फोरार थी भाई, फोरार, इतना तगड़ा साउंड करते हुए जो निकली है बगल से वो फोरार है, यकीन करोगे, साला दिमाग हिल गया मेरा तो, क्या बात है भाई। मैं बात कर रहा था वैसे ट्रिपल आर की, बहुत मजेदार भाई, क्या प्यारी चल रही है, मजा आ गया यार।
लिटरली दिल खुश हो गया है और फोर्थ गियर भी टच कराना है इसका। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी कर दें, सुबह पनवेल निकलना है ना, है ना, है ना, इंतजार कर रहे हो ना। आई नो गाइस, और डेफिनेटली मैं ये करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डू इट मैन, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू। अब 299 के ऊपर अगर 300 टच करती है तब तो पांचवें और छठे गियर में जाने का मतलब है, अदरवाइज इट विल बी द फास्ट, मतलब आप फिर जो भी जज कर लेना कि टॉप स्पीड कितना होने वाली है, लेकिन डेफिनेटली बियॉन्ड होने वाली है। क्या बात है भाई, अरे यार सीधी रोड मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है हमें ऐसा लग रहा है। थोड़ी सीधी रोड मिले तब अपन इसको भगाएं। बट भाई सही में बहुत ही ज्यादा क्रेजी मशीन है ये, बहुत ही ज्यादा क्रेजी मशीन है ये। थर्ड गियर में 200 भाई, थर्ड गियर में 279 पहुंची जा रही है। बताओ पहले गियर में अलग ही लेवल है, 184, दूसरे गियर में 131 गई थी आई गेस, 131 132। क्या बोल रहे हो भाई, पहले गियर में 184, दूसरे गियर में 231 और तीसरे गियर में 279। भाई थोड़ा खाली रास्ता मिले तो ट्राई किया जाए। ये है खाली रास्ता, फोर्थ गियर में 299 हिट कर दिया इसने, हिट कर दिया यार, मजा आ गया। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फोर्थ गियर में 299 हिट हो गई भाई, हिट हो गई, जैसा कि इसके बारे में आप लोगों ने सुना था कि फोर्थ गियर में 299 जाती है चली गई 299 298, ऐसे ही एकदम, पर 299 मैंने देखा मीटर में कि 299 था, और फिफ्थ गियर मैंने नहीं लगाया उस टाइम, और फिर समझ ही नहीं आया भाई, इतनी लिमिट देखने की आदत है तो चेक भी नहीं किया कि शायद 300 लिख के आ जाए फिफ्थ गियर डालने के बाद, बस चली गई तो चली गई। तो अपन को अब एक लंबा पैच और मिलेगा तो एक बार और चेक करेंगे फिफ्थ गियर में भी, बाकी जब मीटर में दिखना बंद हो जाता है तो फिर कितना भी खींच लो यार,
फिर मजा नहीं आता। जब तक स्पीड दिखे ना तब तक मजा नहीं आता है। तो बस इतना जान लो कि मुझे लगता है 340-350 के लिए कुछ नहीं है। अगर फोर्थ गियर में रियल टॉप स्पीड इसकी 299 है तो फिर 350 इसके लिए कुछ है ही नहीं भाई। लोगों की गाड़ियाँ यहाँ फिफ्थ गियर में 299 टच नहीं हो पाती, मैं अपनी बात कर रहा हूँ BMW की, और ये फोर्थ गियर में 299 टच कर रही है। बहुत बढ़िया मक्खन चल रही है भाई, मजा ही आ गया इसको चला के। फाइनली जिस पल का हमें इंतजार था बहुत दिनों से, वो पल आज मिला है कि भाई इसकी परफॉर्मेंस चेक की जाए यार, मजा आ जाएगा। चले नहीं चल सकते गाइस, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मुझे लगा रोड सीधी है, फिर अचानक से दिखा भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम इंतजार करेंगे सीधी रोड का, जब हमें बढ़िया धमाकेदार ताबड़तोड़ रोड मिलेगी तभी भगाएंगे, तभी मजा लेंगे। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि जैसा कि मैंने सुना था कि फोर्थ गियर में 299 जाती है, तो डेफिनेटली यार फोर्थ गियर में 299 हिट कर दिया। लेकिन हमारे पास इतनी प्रॉपर अच्छी रोड नहीं है यहाँ पे कि हम फिफ्थ और सिक्स्थ गियर का भी यूज़ कर पाएँ, बट इसका मीटर जो है वो 299 पे लॉक है। उसके बाद की स्पीड आपको नहीं दिखाएगा, उसके बाद GPS पे आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये कितना टोटल टॉप स्पीड अचीव करेगी, बट डेफिनेटली ये फास्ट है। बहुत बढ़िया मक्खन चल रही है भाई, मजा ही आ गया इसको चला के। फाइनली जिस पल का हमें इंतजार था बहुत दिनों से, वो पल आज मिला है कि भाई इसकी परफॉर्मेंस चेक की जाए यार, मजा आ जाएगा। चले नहीं चल सकते गाइस, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मुझे लगा रोड सीधी है, फिर अचानक से दिखा भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम इंतज़ार करेंगे सीधी रोड का, जब हमें बढ़िया धमाकेदार ताबड़तोड़ रोड मिलेगी तभी भगाएंगे, तभी मज़ा लेंगे। अब आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। सो गाइस अगर आप भी मेरी तरह हर सिचुएशन में फुली कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, अपने पसीने की स्मेल से परेशान नहीं होना चाहते हो, तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से परचेज करो ला फ्रेंच का ओथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।